हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। सो जिहड़ा अपना टिशू चैप्टर ही उहदा एक लैक्चर आपां कंप्लीट कर लिया ही, उहदे विच आपां समझ लिया ही कि टिशू की हुंदा है। सैल्स मिलके बनाते टिशू, टिशू मिलके बनाते ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम तो की बन गया ही अपना कैंट, कैंट सिंह। ठीक है, हुण अज आपां की पढ़ना ही टाइप्स ऑफ टिशूज़। की पढ़ना ही टाइप्स ऑफ टिशूज़, मतलब टिशूज़ दी अलग अलग तरह के टिशूज़ होंदे है। ठीक है ना, उन अलग अलग तरह के टिशूज़ बारे पढ़ना है। ठीक है ना, टिशू तो अपने जो वेखो टिशू नू अपने दिमाग दे विच पता की बिठा देना है, एक इदां दा पीस। जो मैं नाम लवां ना टिशू, तुहाडे दिमाग च आ चीज़ आ जानी चाहिए। कलर तुहाडे जिहड़ा भी पसंदीदार वह कलर अपने दिमाग च बिठा लो, रैड बिठाना रैड, ग्रीन बिठाना ग्रीन। जो मैं कहां टिशू, तुहाडे दिमाग च ये चीज़ आ जानी चाहिए। ठीक है, जो मैं कहा टिशू तुहाडे दिमाग च की आ गया, ये। जो मैं कहा टिशू तुहाडे दिमाग च की आ गया, ये। ठीक है, अगे आ जाओ। हुण आपां अलग अलग तरह के टिशूज़ पढ़ने, अलग अलग तरह के टिशूज़ पढ़ने। दो तरह के टिशूज़ आपां पढ़ने, एक तो आपां पढ़ने प्लांट्स के जिहड़ा टिशू हुंदा उहनूं की कहिंदे आ प्लांट टिशू। जिहड़ा एनीमल्स यानी कि जो साडे विच टिशूज़ आ उहनूं की कहिंदे एनीमल टिशूज़। ठीक है ना, दो वेखो, एक तो अपने कोल एनीमल, आपां जिहड़े ह्यूमन बीइंग्स हुंदे आ ना, आपां किहदे विच आने आ, एनीमल्स दे विच। जिहड़े आपां आले दुआले पौधे देखते हैं, इन्ने सारे प्लांट्स देखते हैं। ठीक है ना, ये प्लांट्स। एक आपां टिशूज़ पढ़ने हैं जिहड़े प्लांट्स दे विच टिशूज़ हुंदे आ, वो टिशूज़ कहड़े आ प्लांट टिशूज़। मतलब जिहड़े प्लांट टिशू का की मतलब है, जिहड़े टिशू प्लांट्स दे विच आ उहनां बारे पढ़ना। एनीमल टिशू दे विच आपां की पढ़ना, जिहड़े टिशूज़ ह्यूमन बीइंग्स दे विच आ, यानी कि जिहड़े साडे विच आ टिशूज़। अगे आ जाओ, सब तो पहला आपां किहड़े टिशूज़ बारे पढ़ना, जिहड़े प्लांट बारे, जिहड़े प्लांट दे विच टिशूज़ आ ना, यानी कि जिहड़े इहदे विच टिशूज़ आ, इहदे विच जिहड़े टिशूज़ आ ना, ये प्लांट दे विच जिहड़े जिहड़े टिशूज़ आ उहनां बारे पढ़ना। ठीक आ, सो प्लांट टिशू, प्लांट दे विच ना जिहड़ा अपने कोल ये आ, ये वाला अपने कोल प्लांट आ, इहदे विच दो तरह के टिशूज़ आ। किन्ने तरह के? दो तरह के, एक मैरिस्टमैटिक, एक परमानेंट टिशू। मैरिस्टमैटिक एंड परमानेंट। ठीक है, दो तरह के टिशू अपने को। सो अपने को दो तरह के टिशूज़ हो गए, एक अपने को गए मैरिस्टमैटिक, एक हो गए परमानेंट। ठीक है, वेखो पहला आप पढ़ा मैरिस्टमैटिक टिशू बारे, पहला कहते बारे पढ़ा मैरिस्टमैटिक टिशू बारे। ठीक है, टिशू तो तुम दसिया ना, दिमाग च आ जाना चाहिए। सब तो पहला की है मैरिस्टमैटिक बारे पढ़ना, फिर परमानेंट बारे पढ़ना। ठीक है ना, एक तुहानू मैं पॉइंट दस दिना आ कि जिहड़े मैरिस्टमैटिक हुंदे बाद विच इहदे विच कन्वर्ट हो जांदे परमानेंट दे विच। मतलब परमानेंट टिशू जिहड़े हुंदे आ ना, ये एक तरह के नाल मैरिस्टमैटिक टिशू तो ही बने हुंदे। मैरिस्टमैटिक टिशू जिहड़ा इहने कन्वर्ट हो के परमानेंट टिशू दे विच बदल जाणा। ठीक है ना, मैरिस्टमैटिक टिशू ने एक टाइम इदां दा आना जदों ने परमानेंट टिशू बन जाणा। ठीक आ, चलो इत्ते मैं बाद जावांगा, आड़ा टेबल आ ना, ये तुहानू मैं फिर समझावांगा। इहदे विच इही कहा गया आ कि प्लांट टिशू दो तरह के, एक मैरिस्टमैटिक एक परमानेंट। मैरिस्टमैटिक अगों जिहड़े टिशू आ ना इहदे बारे पढ़ना आपां, ये तीन तरह के आ, एक दो तीन। ठीक आ, जिहड़े परमानेंट आ ये अगों दो तरह के आ, सिंपल कंपाउंड, सॉरी कंपलैक्स, सिंपल टिशू कंपलैक्स टिशू। मैरिस्टमैटिक तीन तरह के आ, परमानेंट दो तरह के आ। परमानेंट दे विचों जिहड़ा सिंपल टिशू आ ना ये अगों चार तरह का आ, एक दो तीन चार। जिहड़ा कंपलैक्स आ ये दो तरह का। ठीक है ना, ये गल ये समझाया गया, ये सारे बारे पढ़ा गया आप आसानी दे नाल, तुहानू समझा देना आप। सब तो पहला आप पढ़ते हाँ प्लांट टिशू आया अपने कोल, इहदे विच किहड़ा पढ़न लगे आप मैरिस्टमैटिक। सब तो पहला किहड़ा पढ़न लगे हाँ मैरिस्टमैटिक। ठीक है, मैरिस्टमैटिक तीन तरह का, एक दो तीन, ये भी आप पढ़ने। सब तो पहला मैरिस्टमैटिक टिशू, मैरिस्टमैटिक टिशू डिवाइडिंग टिशू आ, इहनूं आपां की कह सकते हैं डिवाइडिंग टिशू। ठीक है ना, एग्जाम्पल आ सीगा अपना कोई प्लांट, ये की अपना कोई छोटा जिहा प्लांट आ, कदे प्लांट एडा कि रहिंदा नहीं ना रहिंदा, हौली हौली हो गई हुंदा वड्डा ही जांदा।
हौली हौली वड्डा हो जाता प्लांट, इदा ही है सानू पता सारे नू, पहला प्लांट छोटा हुंदा हौली हौली वो वड्डा हो जाता लंबा हो जाता। लंबा किवें हो रहा है, किवें हो रहा लंबा किहदे करके? मैरिस्टमैटिक टिशू करके। देखो मैरिस्टमैटिक टिशू जिहड़ा हुंदा ना ये तीन तरह का हुंदा है। किन्ने तरह का हुंदा? तीन तरह का। एक हुंदा अपने कोल एपिकल मैरिस्टमैटिक टिशू, केड़ा? एपिकल मैरिस्टमैटिक टिशू। एक हुंदा लेटरल मैरिस्टमैटिक टिशू, एक हुंदा इंटरकैलरी मैरिस्टम। तीन तरह का हुंदा, एपिकल मैरिस्टमैटिक टिशू, लेटरल मैरिस्टमैटिक टिशू, इंटरकैलरी मैरिस्टमैटिक टिशू। ठीक है ना, की हुंदे ओह समझाउणा तुहानू। तुसीं बस ना जिद्दां जिद्दां मैं समझावां उहनूं सुणी जाओ, अपने आप दिमाग 'च गल बिठा दांगा तुहाडे की कह रहा मैं जां की मतलब आदा। ठीक है, आ सीगा अपने कोल कोई प्लांट, ये की आ कोई प्लांट, ये उहदियां की आ जड़ां आ। अगले साल आपां देखिया, अगले साल एक अज आपां लगाता ये प्लांट, अज लगाता, अगले साल देखिया तो ये प्लांट एडा वड्डा हो गया, पत्ता भी एदा वड्डा हो गया तो उदा भी एदा तना भी मोटा हो गया। तना भी की हो गया? मोटा हो गया। नहीं, एक एक काम होर करो, एक केस ये होर ऐड कर लो कि ये जिहड़े पत्ते भी हो इदा ही। चलो आप इत्थे बनाने हैं, तुहानू इसे इको डायग्राम तो सारा आप क्लीयर कर देना। अज आप गए गार्डन के, तो मम्मा ने कहा बेटा थोड़ा अज जन्मदिन आ, कोई जाके प्लांट ही लगाओ गार्डन के। एक प्लांट लिया मिट्टी के उगा दिता, आ की वो पत्ते है दो, ठीक है ना, आ दो दे की पत्ते। आ दो पत्ते आ दे, ठीक है, आ इहदियां निक्कियां निक्कियां जड़ां आ, ठीक है ना, छोटा प्लांट है अजे तुसीं लगाया ही आ जाके, ठीक है ना। जिदा जाते नहीं जो झोना लाउण जाते, आप झोना लाउण जाते हैं तो झोने की जो पनीरी पुटते हैं तो वह एक होंगी जी, जिन्हों आप गुच्छा बना लें पनीरी का, और फिर एक एक पनीरी का बूटा जोड़ा उन्होंने आप झोने की पैली के लाने। तुम सोच लो कि एक जोड़ा पनीरी का बूटा तुम लाने ना एक एक करके, ये उही आ छोटिया छोटिया जी जड़ा है, पर पनीरी के पत्ते नहीं होंगे इतने आप पत्ते बनाते, इन्ना छोटा आ, ठीक है ना। एक गल हो गई है, दो पत्ते है, एक इधरली साइड आ एक इधरली साइड। अगले साल बाद तुम वेख्या तो ये पत्ता की हो गया, वड्डा हो गया थोड़ा, ये अपना जोड़ा प्लांट ही वड्डा हो गया, जड़ा भी यदि वड्डिया हो गई थोड़िया, जेडे पत्ते ही एक पत्ता इतने आप उदा भी थोड़ा मोटा हो गया, एक पत्ता जोड़ा इन्हों आपस में जी दूरी ये भी की होगी वध गई। उतो अगले साल फिर वेख्या तो ये इन्ना मोटा हो गया, पत्ते भी ये दूर दूर हो गए, काफ़ी काफ़ी दूर दूर हो गए, जड़ा भी एरिया बड़िया बड़िया लंबिया हो गई, तना भी मोटा हो गया, आप भी आप पहला लम्मा हो गया, तना भी मोटा हो गया, लम्मा भी हो गया, तना भी मोटा हो गया, पत्ते भी दूर दूर हो गए तो जड़ा भी लंबिया हो गई, ठीक है ना। ये फस्ट केस के आगे प्लांट की ही छोटा ही, पत्ते वे लागे लागे ही दोवें दोवें, ठीक है, जड़ा निकिया। अगले साल देखा तो प्लांट जोड़ा हो गया साढ़ा लम्मा हो गया, जड़ा भी लंबिया हो गई, मोटाई भी हो गई तने की, तो पत्ते भी थोड़े दूर दूर हो गए, आ दूर दूर ही आ, ठीक है ना, क्योंकि आ चीज़ लंबी होगी ना आ जी, तो पत्ते दूर दूर ही होने ही। उतो अगले साल देखा तना होर मोटा हो गया, तना होर मोटा हो गया, जड़ा होर लंबिया नहीं, त जी तना ही लम्मा हो गया पहला, होर जड़ा भी लंबिया हो गई, तना मोटा भी हो गया, पत्ते होर दूर दूर हो गए, पत्ते होर दूर दूर हो गए। हुण इहनू समझो अगे, ये केस ये की अपना केस, ये चीज़ अपने दिमाग 'च बिठा लो, ये की चीज़ अपने दिमाग 'च बिठा लो। हुण जिहड़ा हुंदा ना एपिकल मैरिस्टमैटिक टिशू, एपिकल मैरिस्टमैटिक टिशू, प्लांट अपना छोटा ही ना जदों, ये उहदी एपैक्स ते प्रेजेंट हुंदा, एपैक्स की हुंदी आ जिहड़ी टॉप ते, चलो इहनू होर पेन इत्थे, जिहड़ी उहदी ये जिहड़ी टाणी सी ना प्लांट दी अपने कोल, एक मिनट, ओहो अपने कोल की ही प्लांट ही, छोटा ही प्लांट,
एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू जो होंगे कितने प्रेजेंट होंगे वेखो एपीकल लिखा ना एपीकल का मतलब होंगे एपेक्स एपेक्स मतलब होंगे टॉप मतलब टॉप से एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू कितने प्रेजेंट ही टॉप से यानी कि इतने प्रेजेंट ही एगी अपने कोल एपीकल मैरिस्टमैटिक आयड एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू आयड आयड है ना अपने कोल एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू ठीक है कितने प्रेजेंट आ जिहड़ी साडी टाणी है टॉप से इदा ही सिर्फ टाणी के टॉप से नहीं हुंदा ये जड़ां दे भी टॉप से हुंदा जिहड़ियां अपने कोल जड़ां है ना नीचे आ अपने कोल की है जड़ां इन्हां दे भी इत्थे हुंदा है इन्हां जड़ां दे भी टॉप से मतलब नीचे वालों जिहड़ा इन्हां दा सिरा हुंदा ना ओह उत्थे ठीक है ना हुण एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू कित्थे प्रेजेंट आ एक ते प्रेजेंट एट दी एपेक्स यानी कि टॉप ऑफ दी प्लांट आ लिखा ना प्रेजेंट एट दी एपेक्स एपेक्स का मतलब कि टॉप ऑफ दी प्लांट और एट दी रूट टिप ऑफ दी प्लांट आ जी रूट की टिप ही आ जी है ना रूट टिप आने रूट टिप कहते ये चीज़ ने याद रखो तुम इन्ना रखो कि यह प्रेजेंट होना कि जी प्लांट की अपने को जी एपेक्स है ना आ एपेक्स उत्ते प्रेजेंट आ एक जी रूट की आ रूट की एपेक्स से प्रेजेंट आ ठीक है ना आ टिप होंगी आ मान लो अपनिया रूट्स है आ की अपनिया रूट्स इन्हों की जी आ ना रूट टिप इत प्रेजेंट है रूट टिप के उत्ते की प्रेजेंट आ जी इन रूट टिप कहा जाता जितों रूट खत्म हो जाती ना जिस पॉइंट पर नहीं खत्म नहीं हो जाती मतलब तुम कह लो कि रूट टिप है ये रूट की टिप के प्रेजेंट है रूट के एंड के प्रेजेंट है ठीक है ना ये समझ ठीक है हुण प्लांट एक तो तुम्हें पता लग गया कि एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू कितने प्रेजेंट आ जिहड़ा अपने कोल ए वाला हुंदा ना इहदे टॉप ते ठीक है ना इहनू की कहिंदे आ स्टैम जिहड़ा उहदा तणा जिहा हुंदा ना अपने कोल जिद्दां हुण अपने आले दुआले कोई प्लांट देखियो प्लांट इदा तां नूं जाण डिया हुंदा फिर आले दुआले दा टहिणियां हुंदियां आ ठीक है ना ये जिहड़ा उपर नूं जा रहा इहनूं स्टैम कहिंदे एस टी ई एम स्टैम जड़ां नूं की कहिंदे आ रूट तुहानूं इह पता ही हुंदा आ ठीक है ना सो एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू कित्थे प्रेजेंट आ एक ते प्रेजेंट आ स्टैम दे टॉप दे यानी कि एपेक्स दे एक प्रेजेंट आ रूट दे रूट टिप दे मतलब जिथों रूट एंड एंड दे रूट दे एंड दे रूट टिप दे दो जगह प्रेजेंट हो गया हुण इन्हें की करूंगा जदों आपां अगे केस बनाया हीगा अपने प्लांट का भी पहला आपां अपने जन्मदिन ते छोटा प्लांट लाया अगले साल वेख्या होर लंबा हो गया उत्तों अगले साल वेख्या होर लंबा हो गया है ना इदा हों ना उतों अगले साल वेखा कि होर लंबा होएगा वो जिहड़ी प्लांट की लंबाई वधदी पई है ना पहला इन्ना ही फिर इन्ना हो गया प्लांट स्टैम जिहड़ी उहदी फिर एडी हो गई फिर होर वड्डी हो गई स्टैम ये किहदे करके हुंदी पई आ भी जिहड़ा इत्थे एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू पिया वा ना इहदे करके ठीक है ना एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू की करता पिया हुण जड़ा आ जड़ा पहला इन्निया हुंदियां फिर इन्निया हो गई फिर होर लंबिया हो गई फिर होर लंबिया हो गई किहदे करके नहीं पिया क्योंकि जड़ां दे इत्थे की प्रेजेंट ही एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू इहदे करके जड़ां भी लंबिया हुंदियां पईआं ठीक है ना सो जिहड़ा एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू आ ये किहदे लई रिस्पोंसीबल आ हाइट दे वधन दे विच किहदे लई रिस्पोंसीबल आ रिस्पोंसीबल फॉर इनक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट और हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो इन लेंथ जिहड़ी प्लांट की लंबाई वध रही सीगी ना कि पहला प्लांट एडा ही फिर वड्डा हो गया फिर उतों वड्डा पहला प्लांट किड्डा ही इन्ना ही फिर उतों वड्डा फिर उतों वड्डा फिर उतों वड्डा ये जिहड़ी उहदी लंबाई वधदी पई है ना ठीक है ना प्लांट जिहड़ा लंबा हुंदा पिया किहदे करके हुंदा पिया क्योंकि इत्थे की प्रेजेंट ही एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू इत्थे की प्रेजेंट ही एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू इहनूं लंबा करदा पिया जड़ां भी लंबियां हुंदियां पईआं किहदे करके हुंदियां पई जिथे भी कोई चीज़ लंबी हुंदी पई ना उहदी लंबाई वधदी पई उहदी हाइट वधदी पई जां उहदी लेंथ उहदी लंबाई वधदी पई आ उह किहदे करके वधूगी एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू करके तुहानूं क्वेश्चन आ सकदा कि जिहड़ी प्लांट की लंबाई आ जां जड़ां की लंबाई है किहदे करके वधदी पई आ एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू करके एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू रिस्पोंसीबल किहदे लई आ लेंथ दे वधन दे लई ग्रोथ दे लई यानी कि कोई प्लांट आ उहदी जिहड़ी लंबाई वधदी पई है ना लंबा हुंदा पिया प्लांट किहदे करके हुंदा पिया एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू करके आ इत्थे मैं बनाया भी
एपीकल मैरिस्टम कितने प्रेजेंट आ स्टेम आ ताडी इहदे टॉप ते रूट दे टॉप ते। मान लो जदों रूट निकलनी लगी ही इत्थों निकली जी, मान लो आ होर छोटा ही, मान लो जे बी दे विच्चों ही निकलिया ही है, उत्थे भी एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू होना, उन्हें की करी जाना लंबे हो जाना, फिर इदा बन जाना, फिर एपी फिर इदा बन जाना एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू इत्थे आ जाना, फिर ये एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू करके होर लंबा होना, एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू ने होर उपर चल जाना, ठीक है ना। सो इदा चलता काम इदा ही जड़ा दे विच हुंदा, ठीक है ना। सो एपीकल मैरिस्टमैटिक इदा ही जड़ा दे विच भी जदों जड़ अजे पूरी इन्नी लंबी नहीं हुई, मान लो छोटी आ एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू इदा ही, फिर एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू इदा ही, फिर थोड़ी जदों जड़ लंबी होगी फिर इदा होगी जड़, फिर एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू इत्थे आ गया, फिर होर लंबी होगी फिर इत्थे आ गया। सो इदा करके चलता, ठीक है ना। एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू करके लंबाई वधदी पई आ, प्लांट की हाइट वधदी पई आ, जड़ां की हाइट वधदी पई आ, जड़ां की लंबाई वधदी पई, ठीक आ। एपीकल मैरिस्टमैटिक कित्थे प्रेजेंट ही, एपेक्स यानी कि टॉप के उत्ते, जिहड़ी स्टेम आ जां प्लांट आ उहदे टॉप के उत्ते प्रेजेंट, रूट आ जिहड़ी जड़ आ उहदी टिप ते प्रेजेंट आ। की काम इहदा, लंबाई नूं वधाउणा, प्लांट नूं लंबा करन दे विच इहदा काम, हाइट वधाउण दे विच, ठीक है। एपीकल मैरिस्टमैटिक समझ लग गई, हाइट किवें वधाउंदा आ इहदी गल सुण लो हुण। प्रेजेंट दा दसदा भी इत्थे प्रेजेंट आ, की करता पाया जिथे प्रेजेंट हाइट वधाउंदा पाया किवें वधाउंदा पाया, चलो वह भी तुहानूं दस दिंदे आ। आ अपनी मिट्टी है, आ जिहड़ी चीज़ मैं बणाउंदा ना, मिट्टी बणाउंदा, जड़ां मिट्टी दे थल्ले हुंदियां, ठीक है। मान लो कि अपने कोल इदां ही इत्थे प्रेजेंट ही अपने कोल एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू, एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू। हुण मैं कहा ही कि टिशू की हुंदा ग्रुप ऑफ सैल्स, इहदे विच की आ सैल्स आ, इहदे विच जिहड़ा अपने कोल आ इहदे विच की आ सैल्स आ। हुण जिथे भी मैरिस्टमैटिक तुसीं देखोगे ना वर्ड मैरिस्टमैटिक, जां तुसीं कह लो कि जिहड़े मैरिस्टमैटिक टिशू आ, आपां मैरिस्टमैटिक टिशू दी टाइप्स पढ़ रहे हां ना, एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू टाइप आ मैरिस्टमैटिक टिशू दी, जिहड़ा अपने कोल मैरिस्टमैटिक टिशू हुंदा आ इहनूं की कहिंदे आ, डिवाइडिंग टिशू, डिवाइडिंग टिशू। डिवाइडिंग टिशू दा की मतलब है, सैल चैप्टर दे विच पढ़िया सीगा आपां कि अपने कोल एक सैल हुंदा, एक सैल तो एक सैल आ अपने कोल, इस तों बाद दो सैल बन जांदे, बाद च ए सैल तो फिर अगे दो सैल बन जांदे, फिर ए सैल तो फिर दो सैल बन जांदे। ये की हुंदा भी सैल डिवाइड हुंदे पे, ये की हुंदा पिया सैल डिवाइड।
वेखो एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू किवें जिहड़ी उहदी लेंथ वधाउंदे पए आ ना प्लांट दी किवें वधाउंदे पए जिथे मैरिस्टमैटिक आ जाए उहदा मतलब की आ डिवीजन उहदा की मतलब आ डिवीजन मतलब सैल्स जिहड़े आ ना वह डिवाइड करदे पए सैल्स डिवाइड करदे पए इहदा की मतलब होंदा सैल्स डिवाइड करदे पए इहदा सैल्स डिवाइड करदे दा मतलब की होंदा कि पहला एक सैल लिया एक सैल लिया एक तो दो बन गए ये आपस डिवाइड कर गए दो तो चार बन गए चार तो बाद अगे फिर दो बन गया इन्नी जल्दी जल्दी डिवाइड करते पे आ कि एक एक सकेंड के साडे कोल हजार हजार लख लख सैल बन रहा है सोचो किन्नी तेजी नाल एक तो दो दो तो चार दो चार तो अठ अठ तो सोलह सोलह तो बत्ती बत्ती तो चौंठ चौंठ तो एक सौ अठाई दो सौ छपंजा किन्नी जल्दी जल्दी ये चलता पिया होगा काम कि मतलब एक सकेंट के अपने को लख सैल बन जाए मतलब मैं एक सैल लिया ना एक सैल लिया एक सकेंट बाद वेख्या तो इतने एक लख सैल बनया ना एक मैं कंटेनर लिया बाल्टी ली बाल्टी के मैं एक सैल पाया एक सकेंट बाद वेख्या मैं अखा ही चमकिया अजे तो बाल्टी के एक लख सैल पिया क्योंकि सैल की करके डिवाइड करके सैल की करके डिवाइड करके ठीक है ना हुण जिथे मैरिस्टमैटिक आ जाए जिथे की आ जाए मैरिस्टमैटिक टिशू आ जाए उत्थे की हुंदी आ डिवीजन मतलब उत्थे सैल डिवाइड करते बहुत ज़्यादा भी एक एक सकेंट के एक सैल एक लख सैल बना दिंदा इन्नी जल्दी जल्दी डिवाइड करते मैरिस्टमैटिक टिशू जिहड़ा हुंदा ठीक है ना मैरिस्टमैटिक टिशू की है डिवाइडिंग टिशू है मतलब भी ये जो सैल्स आ बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं भी एक सकेंट के एक सैल पिया ही अगले सकेंट च वेख्या एक लख सैल हो गया ठीक है ना सो हुण अपने कोल की ही प्लांट प्लांट ही छोटे मतलब छोटा ही प्लांट इत्थे की ही अपने कोल एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू प्रेजेंट हुंदा मैं दस्सिया इत्थे मैं दस्सन लगा कि प्लांट लंबा किद्दां हुंदा हुण इहदे विच की ही सैल्स ही इहदे विच की ही सैल्स ही ठीक है ना ये जिहड़ा टिशू हुंदा आ इहदे विच सैल्स ही तां हुंदे आ सैल्स हुण ये सैल्स की करते पे डिवाइड करते पे मतलब सैल्स की करते पे डिवाइड करते पे भी एक सकेंट के एक लख सैल बन रहा हुण तुसीं मैनूं दसो भी जगह तो उन्नी है ये एक लख सैल रह लूगा इत्थे ते अपने कोल थोड़े सैल ही ठीक है ना मान लो इत्थे किन्ने सैल ही पंज एक दो तीन चार पंज ये पंज सैल इन्ने क पार्ट च रह सकदे आ वाला पार्ट है ठीक है ना पांच सैल रह सकते एक सकेंट बाद इतने किन्ने सैल हो गए एक सैल तो एक लख बनता पाया हूँ पांच लाख पांच सैल लाते पांच लख सैल बन गए हूँ ये पांच लख सैल जिहड़े आ कित्थे जाणगे इन्नी कु जगह च तो नहीं ना पांच लख रह सकते तो कित्थे जाणगे वो थल्ले जाणगे ठीक है ना तो थल्ले जाके इदां जुड़ी जाणगे तो प्लांट लंबा ही जाणा जिहदे नाल थल्ले जाके जुड़ी जाणा तो अगले केस के भी इदा प्लांट लंबा आ गया तो आ जी एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू की आ जी चीज़ ही इन्हें थोड़ा उत्ते उठ जाना समय लगी मैं दोबारा एक बार फिर दसदा मतलब आप समझन डे हाँ कि एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू जिहड़ा आ किवें हाइट वधाउंदा पिया प्लांट की लंबाई नूं किवें वधाउंदा पिया इत्थे अपने कोल की प्लांट ही इत्थे प्लांट ही इत्थे अपने कोल की एपीकल मैरिस्टमैटिक टिशू ये वाला हुण इहनूं मैं समझण दे लई इहनूं बाहर कढ लिया इहदे विच मान लो अपने कोल दो सैल आ एक सैल दो सैल हुण इह दो सैल इन्नी जगह च आराम नाल रह रहे पर मैं कहा कि मैरिस्टमैटिक टिशू है बहुत जल्दी डिवाइड करते एपीकल मैरिस्टमैटिक आ गया ना मैरिस्टमैटिक टिशू बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं जल्दी जो बहुत जल्दी डिवाइड करनगे तो की हो गए इत्थे एक सकेंट बाद किन्ने हो गए एक सकेंट बाद किन्ने हो गए इत्थे एक एक सैल तो एक लख सैल बनया वन लैख तो दो सैल तो किन्ना बनूगा दो लैख दो लख बन जाना हुण दो लख सैल इन्नी कु जगह च किद्दां रहूगा तो वह की जाना शुरू हो जाता थले जाना शुरू हो जाते वो जो सैल्स जो दो लख सैल है ना उन्होंने इदा थले जाना शुरू होना ठीक है ना जो उन्होंने की करना सैल्स ने जिदा मान लो अपने कोल जो दो लख सैल बन गए ना एक सैकेंड
2 लाख सैल बन गए तो उन्होंने थले जाना शुरू कर देना, अपनी स्टेम ही ना ये जाना शुरू कर देना। जो ये जाना शुरू किया तो जोड़ा आ वाला हिस्सा ना अपने को अपना आ जोड़ा हिस्सा आ वाला ये उन्होंने लगना शुरू होना। तो ये चीज़ रहन दो, तुम ये समझो कि जो उन्होंने थले जाना शुरू करता, ठीक है ना, अपने कोल 2 लाख सैल आ गया। हूँ 2 लाख सैल तो इन्नी की जगह देख नहीं रह सकते, ओबियस ही गल थोड़ी है जगह, तो की हो गया उन्होंने थले जाना शुरू करता, वह सैल्स ने थले ये जी अपनी स्टैम ही ना ये जाना शुरू करता। हूँ स्टैम के जाना शुरू करता, स्टैम के कोल अपने अपने सैल्स पहले ही पे ही आ जी स्टैम आ ये तो सैल्स ना अगे भरी पई आ, प्लांट भी तो सैल्स का बनया हूँ वो पहले ही सैल्स। उन्हें कहा कि मैं 5 लाख सैल कितने रख 2 लाख सैल मैं कितने रखूँगी, उन्हें अपनी हाइट वधाई तो इतने की आ गए 2 लाख सैल्स लग गए, ठीक है ना। तो फिर जो ये 2 लाख सैल्स लग गए हाइट वध गई, हाइट गई वध तो एपिकल मेरिस्टमैटिक टिशू होर उत्ते चला गया। फिर अगले केस की होना वा भी ये कोल 2 सैल्स ही बचे क्योंकि 5 लाख सैल जे 2 लाख सैल बनाए वो तो नीचे लग गए ना स्टैम के लग गए क्योंकि उन्होंने जगह उन्हें स्टैम ने अपनी लंबाई बधाई कि सैल्स इतने मेरे में आके फिट हो जाओ, ठीक है। फिर अगे की हो गया कि 2 लाख 2 सैल्स तो फिर 2 लाख सैल बन गया, उन्होंने फिर जगह चाहिए, स्टैम की फिर हाइट वध गई तो उन्हें फिर वो अगले 2 लाख सैल में भी उत्थे रख लिया तो स्टैम होर लंबी होगी। सो इदा लंबे होंगे पे जेडे अपने को प्लांट्स वो इदा लंबे होंगे पे है कि जोड़ा मैरिस्टमैटिक टिशू आ वो जे सैल्स डिवाइड करते पे वह डिवाइड हो के नीचे जी स्टैम होंगी वे जाते पे आ तो स्टैम की हाइट बढ़ती पी। समय लगी कि नहीं, समय लगी कि नहीं, मैं ये दसो पर तुम कि दस सकते हो, मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कई नहीं हो जाता मेरा, मैं लगता रहता कि तुम सुनते पे हो सारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखो पहला इन्ना ही प्लांट इतने की ही अपने को एपिकल मेरिस्टमैटिक एरे सैल्स ने डिवाइड करना शुरू करता, वो नीचे जाई गए, नीचे जाते जाते लंबी हो गई एपिकल मेरिस्टमैटिक उत्ते चला गया। फिर ये सैल्स नीचे आई गए, नीचे मतलब की होंगे भी ये सैल्स नीचे आ रहे हैं इदा लग रहे हैं, मतलब सैल्स इदा इदा लग रहे हैं, जो इदा इदा सैल्स लगी जा रहे हैं स्टैम लंबी हो ही जाती पी है, ठीक है ना। मतलब स्टैम लंबी होन हो क्यों रही है, क्योंकि जी एपिकल मेरिस्टमैटिक टिशू के जोड़े सैल्स आ ना उन्होंने जगह मिल सके, उन्होंने जगह मिल सके, ठीक है ना। स्टैम लंबी हो जाती है ताकि जेडे एपिकल मेरिस्टमैटिक टिशू के सैल्स डिवाइड हो के 2 लाख सैल बनया वो सैल इतने फिट हो जाए ता करके स्टैम की हो जाती लंबी हो जाती। जो फिर इतने 2 लाख सैल बने हूँ इतने तो जगह अगे नहीं हैगी तो स्टैम ने की करना होर लंबी हो जाना ताकि 2 लाख सैल इतने लग जाए, ठीक है ना। तो उन्ना उन्ना ही इन्हें जोड़ा एपिकल मेरिस्टमैटिक टिशू इन्हें उपर जाई जाना, ठीक है ना। उस तो बाद उन्हें होर उपर चल जाना सैल्स ने नीचे लगी जाना। सो इदा काम करती है मैरिस्टमैटिक टिशू एपिकल मैरिस्टमैटिक टिशू जिथे भी आ जाए ना उन्हें की करना मैरिस्टमैटिक टिशू ने आधा आप एपिकल मैरिस्टमैटिक टिशू तो समझे ना ए वाले तो एपिकल मैरिस्ट जेड़ा अपने को जिथे भी मैरिस्टमैटिक टिशू आया वो सैल्स डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं तो हूँ उन्होंने जगह तो चाहिए कि खिलोन के लिए तो की हों प्लांट अपनी हाइट वधाउंदा पिया इत्थे आ के जगह च फिट हो जाओ, ठीक है। जो आप प्लांट वाला केस बनाया ही जो ताडा बर्थडे ही तो मम्मा ने कहा कि प्लांट लगा के आओ और एक तो आ गई लंबाई वधदी पई ही, ठीक है। लंबाई स्टैम की भी वधदी पई ही तो नीचे जड़ा की भी वधदी पई किवें वधदी पई ही भी जिहड़ा उत्ते एपिकल मेरिस्टमैटिक टिशू प्रेजेंट ही स्टैम ने उत्ते वो डिवाइड किया, जो डिवाइड किया सैल्स में जगह चाहिए स्टैम लंबी होगी, लंबी हो गई तो वो सैल्स फिट हो गए, ठीक है ना। फिर की हो गया भी उन्हें होर डिवाइड किया उन्होंने फिर चाहिए जगह सैल्स में तो जी स्टैम ही होर लंबी होगी, इदा कर करके लंबी हो गई क्यों, क्योंकि एपिकल मेरिस्टमैटिक टिशू डिवाइड करता पाया जाता पाया वा तो सैल्स में जगह चाहिए आ स्टैम लंबी हो ही जाती है कि हाँ भी ये सैल्स में मैं सामभी जाऊँ। उदा ही रूट आ रूट के रूट किमें लंबी होती पी है रूट के मान लो रूट आ रूट आ रूट लै ली आ वाला हिस्सा मैं इतने लै लिया ये इतने की है एपिकल मेरिस्टमैटिक टिशू आ
ये डिवाइड करता पाया वा, जो ये डिवाइड करूगा सैल्स बनाऊगा, हम 200,000 सैल बनाए कितने जाने हैं, कितने जगह मिलेगी उन्होंने 2 सैल्स रहने लिए, नहीं तो जे जगह ना दी तो एपिकल मेरिस्टमैटिक टिशू फट जाना, फिर तो मर जूगा प्लांट है ना। तो आप प्लांट कहता कि मैं मारना क्यों, वो जड़ अपनी लंबी कर लेंदा, जो उन्हें जड़ को लंबी कर लिया इतने टिशू जे 200,000 सैल आ फिट हो जाने, तो एपिकल मेरिस्टमैटिक इतने चल जाना। फिर इन्हें जो 200,000 सैल बनाए एपिकल मेरिस्टमैटिक ने इतने चल जाना, जड़ होर लंबी हो जानी तो सैल्स फिट हो जाने, इदा कर करके प्लांट की लंबाई वधी जानी। हुण ओ केस दे विच प्लांट की लंबाई वधी ही, मैं दसता किवें वधी पई, मतलब स्टैम की लंबाई किवें वधी मैं दसती, जड़ की लंबाई किवें वधी मैं हुणे दसती। उस केस दे विच मैं कहा ही कि पहला तना इन्ना ही, फिर मोटा हो गया, फिर होर मोटा हो गया, ये जिहड़ी इहदी मोटाई वधदी पई है ना, ये किहदे करके वधदी पई आ, लेटरल मैरिस्टमैटिक टिशू करके। लिखा ना हेल्प्स टू इनक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्टैम, जिहड़ी आ स्टैम पहला पतली होंदी फिर मोटी हो जाती नहीं, थिकनेस जिहड़ी इहदी जिहड़ी मोटाई वधदी पई है ना, कि जिहड़ा जिहड़ा प्लांट साइडां तो लंबा होंदा पिया ना, वो किहदे करके वधदा पिया वा, लेटरल मैरिस्टमैटिक टिशू करके। जिहड़ा प्लांट लंबा होंदा पिया वा, लंबा होंदा पिया ना प्लांट लंबा, किहदे करके एपिकल मैरिस्टमैटिक टिशू करके, जिहड़ा उत्ते पढ़िया एपिकल मैरिस्टमैटिक, जड़ लंबी होंदी पई किहदे करके होंदी पई आ, एपिकल मैरिस्टमैटिक टिशू दे करके, ठीक है। जिहड़ा अपने कोल उहदी मोटाई, प्लांट जिहड़ा मोटा होंदा पिया ना, जिहड़ा तना आ पहला तुसीं वेख लिओ अपने आले दुआले, पहला तना पतला होंदा फिर मोटा हो जाता फिर होर मोटा, ये जिहड़ा तना उहदा मोटा होंदा पिया ना, ये तने की मोटाई जिहड़ी वधदी पई आ, तने की मोटाई ये किहदे करके वधदी पई आ, लेटरल मैरिस्टमैटिक टिशू करके। किहदे करके? लेटरल मैरिस्टमैटिक, जिहड़ा अपने कोल आ ना सैकेंड टाइप लेटरल मैरिस्टमैटिक टिशू, इहदे करके मोटाई वधदी पई आ, की वधदी पई आ, मोटाई, जिहनूं गर्थ भी कहा जांदा, की कहा जांदा, गर्थ, ठीक है ना। वेखो हुण दो चीज़ां समझ लईआं, एक अप दो टिशू समझ लए, किहड़े किहड़े समझे आपां, एपिकल मैरिस्टमैटिक टिशू, पहला तो हो गया एपिकल मैरिस्टमैटिक टिशू, की करता इहने प्लांट नूं लंबा करता, जड़ नूं लंबा करता, प्लांट नूं मोटाई उहदी जिहड़ी इह तने की मोटाई है ना, जिहड़ा इह तना हुंदा स्टैम हुंदी जिहड़ी उहदी स्टैम की मोटाई है जिहड़ी, इहनूं किन्ने वधाउंदा पिया, पहला स्टैम इन्नी ही फिर मोटी होगी फिर उहदी, मतलब आह जिहड़ी साइड नूं इधर नूं जिहड़ी ग्रोथ हुंदी पई आ, एपिकल मैरिस्टम ने इधर नूं ग्रो कीती जां नीचे जड़ां दी इदां ग्रोथ कीती, जिहड़ी इधर नूं ग्रोथ हुंदी पई है ना इधर साइड्स नूं, ठीक है ना, वह किने की लेटरल मैरिस्टमैटिक टिशू ने, किने की लेटरल मैरिस्टमैटिक टिशू, लेटर लेटरल का मतलब भी साइड्स हुंदा है, कि जिहड़ी आ प्लांट की साइड्स से ग्रोथ हुंदी पई है ना, ये किहदे करके हुंदी लेटरल मैरिस्टमैटिक टिशू करके, ठीक है। एपिकल मैरिस्टमैटिक टिशू करके इदा लंबाई, ठीक है, तो होनी है किदा लेटरल मैरिस्टमैटिक टिशू की, उही उस तरह ही होनी है, ठीक है। इत्थे प्लांट पिया, इत्थे किन्ने किन्ने सारे टिशू मान लो प्रेजेंट आ लेटरल वाले, ठीक है, लेटरल लेटरल मैरिस्टमैटिक टिशू इदा किन्ने सारे पे आ इत्थे साइड्स ते, इन ये की करते पे डिवाइड करते पे आ, पहला 2 सैल्स ही जगह हैगी ही रहन दी 2 सैल्स में ये टिशू दे विच ही, फिर 2 सैल्स ने की करते 200,000 सैल बन गए अगले सेकेंड, हुण उन्हां नूं जगह नहीं हैगी तां इहदा तना थोड़ा मोटा हो गया ता कि इहदे सैल्स इत्थे लग सकन, बस उस तरह जिदा उपर लंबाई वधदी पई उस तरह इत्थे मोटाई वधदी पई। सो ये भी हो गया अपने को लेटरल मैरिस्टमैटिक भी हो गया, एपिकल मैरिस्टमैटिक भी हो गया, ठीक है। थर्ड टाइप उहदे उत्ते जाण तों पहलां ना जिहड़ी थर्ड टाइप अपने कोल आ इंटर कैलरी मैरिस्टमैटिक टिशू, किहड़ा इंटर कैलरी मैरिस्टमैटिक, पहला हो गया एपिकल मैरिस्टमैटिक, दूजा हो गया अपने कोल लेटरल मैरिस्टमैटिक टिशू। एपिकल ने हाइट वधाती, लेटरल ने मोटाई वधाती, इंटर कैलरी ने की कीता, दो चीज़ां समझो, एक समझो नोड, एक समझो इंटर नोड। आ की आ स्टैम, की आ स्टैम जिहड़ी आपां आले दुआले वेहने ना प्लांट दे, तुहानूं मैं अगे भी समझाया, इस स्टैम ते इदां टाहणियां लगियां होंदियां, ठीक है ना, पत्ते लगे होंदे, ठीक है। हुण ये जिहड़ी स्टैम, ठीक है ना,
हुण ए स्टैम दा ओ वाला हिस्सा जिथों पत्ते दा जन्म हुंदा पिया उहनूं की कहिंदे नोड। आ रैड कलर वाले की आ नोड, क्योंकि ए वाले जिहड़े हिस्से आ ना स्टैम दे इथों की पत्ते दा जन्म हुंदा पिया नोड, ये भी की आ नोड। इंटरनोड की हुंदा, नोड तो समझ आ गया कि स्टैम दा ओ वाला पार्ट जिथों पत्ते दा जन्म हुंदा पिया। इंटरनोड की आ, आ की आ एक नोड अपने कोल की आ ए वाली, एक नोड की आ वाली। इन्हां दो नोड्स दे विचला जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा ना, जिद्दां मान लो चलो एक आ नोड आ एक आ नोड आ, इन्हां दे विचला जिहड़ा आ वाला डिस्टेंस आ ना दोनों दे विचली दूरी, उहनूं की कहिंदे इंटरनोड। इंटरनोड की आ डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। नोड्स की आ जिथों पत्ते दी जन्म हुंदा पिया, स्टैम दा ओह वाला हिस्सा जिथों पत्ते दा जन्म होया उहनूं की कहता नोड, ठीक है ना। जिथों नोड नोड की आ जिथों पत्ते दा जन्म हुंदा पिया स्टैम दे उत्ते ओह वाला हिस्सा। हुण नोड नोड दो नोड्स दे विचला डिस्टेंस, हुण एक आ नोड आ एक आ नोड आ, इन्हां दे विचला जिहड़ा दूरी आ ना इहनूं की कहिंदे इंटरनोड, ठीक है ना। इंटरनोड भी समझ लग गई, नोड भी समझ लग गई, ठीक है ना। नोड की आ पार्ट ऑफ स्टैम ऑफ प्लांट वेयर लीफ बॉर्नस। इंटरनोड की आ डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स, ठीक है ना। दो चीज़ें आ गईं। इंटर कैलरी मैरिस्टम की करती आ इनक्रीज लेंथ बिटवीन द टू नोड्स। देखो आ की आ नोड, आ भी की आ नोड, क्योंकि पत्ते बॉर्न होए इतों, पत्ता पत्ता लीफ बॉर्न होए दोवें नोड, आ की आ इंटरनोड। ये इंटरनोड वेखो इतने एक दूरी है, इतने इंटरनोड की होगी लंबी होगी, ये कि करके इंटरनोड लंबी हुई इंटर कैलरी मैरिस्टम आ गया ना। इंटर इंटर मतलब इंटरनोड, ठीक है ना। तो किया किने इंटरनोड, इंटर कैलरी ने की किया इंटरनोड नू लंबा, जी इंटरनोड है ना अपनी इंटरनोड, इंटरनोड नू लंबा किने किया इंटर कैलरी मैरिस्टम ने, ठीक है। इंटर कैलरी मैरिस्टम होंगी कितने आ, कितने होंगी आ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। जिदा मान लो आ अपने कोल की आ, एक सैकेंड, बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड। हुण जिदा मान लो आ की एक इंटरनोड आ, इहदा जिहड़ा बेस आ ना इत्थे प्रेजेंट हुंदी आ। बेस की हुंदा जिहड़ा जिद्दां बेस की हुंदा वा जिहड़ा थल्ले वाला पार्ट हुंदा ना, जिद्दां आ अपनी इंटरनोड आ, इत्थे की एक पत्ता लगा, इत्थे एक पत्ता लगा। सानू पता कि जिथों पत्ता बॉर्न हुंदा स्टैम दे पार्ट, आ की आ स्टैम, स्टैम दा ओह पार्ट जिथों पत्ता बॉर्न होया लीफ बॉर्न होया, ओह की हो गया नोड, ओह की होगी नोड, आ भी नोड आ भी नोड। इन्हां दोनों दे विच डिस्टेंस की हुंदा इंटरनोड, इंटरनोड। इंटरनोड की लंबाई किन्ने बताई इंटर कैलरी मैरिस्टम ने। इंटरनोड प्रेजेंट कितने हुंदी जिहड़ी आ इंटरनोड का बेस आ ना आ वाला, इत्थे की प्रेजेंट आ इंटर कैलरी मैरिस्टम, इंटर कैलरी मैरिस्टम प्रेजेंट आ इत्थे, आ इंटर कैलरी मैरिस्टम प्रेजेंट आ, ठीक है। सो इंटर कैलरी मैरिस्टम का पता लग गया की कीता इंटर कैलरी मैरिस्टम ने, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स यानी कि इंटर नोड जिहड़ा हुंदा आ उहनूं की कीता लंबा कीता। इनक्रीजिस लेंथ बिटवीन द टू नोड्स, जां इनक्रीज करती है किनूं लेंथ ऑफ इंटर नोड, क्योंकि इंटरनोड नूं ही ना कहा जाता कि डिस्टेंस वा दो नोड्स दे विच, जिहड़ा इंटरनोड नूं की करदे दी लंबा, कि जिद्दां मान लो एक इत्थे लीफ लगा आ एक इत्थे लीफ लगा आ, फिर की होना इंटर कैली मैरिस्टम ने इंटरनोड की पहला दूरी एक सेंटीमीटर ही, इतने कि नहीं करती इंटरनोड की दू लेंथ बढ़ाती 10 सेंटीमीटर, तो पत्ते भी की हो गए दूर दूर हो गए। इंटर कैलरी ने इंटर वेखो इंटर इंटर कैलरी तो ही आ गया इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ाना, कितने प्रेजेंट है इंटर कै जी होंगी अपने को बेस हों वा इंटरनोड का उत्थे प्रेजेंट होंगी है, नोड की हों इंटरनोड की होंगी सारा दसदा। लेटरल मैरिस्टमैटिक टिश्यू ने किया लेटरल, लेटरल मतलब साइड्स, साइड्स से जी प्लांट की ग्रोथ होंगी भी उन्होंने किया जाने की मिटाई में। एपेक्स मैरिस्टमैटिक टिश्यू यानी कि एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप से, टॉप से मतलब प्लांट की जी लंबाई है उन्होंने बधाया, रूट्स की रूट्स में लंबा किया, ठीक है ना। ये जिहड़ा हुंदा ना लेटरल मैरिस्टमैटिक टिश्यू, यह सिर्फ प्लांट की मोटाई उही नहीं गली वधाउंदा, ये जड़ां की मोटाई भी वधाउंदा, किवें वधाउंदा उसे तरह
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਟਿਸ਼ੂ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸੈਲਸ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਟਿਸ਼ੂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ। ਗਰੋਥ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੋਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਗਰੋਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਦੀ ਮੋਟਾਈ ਗਰੋਹ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਾ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੈੱਲ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੈਕਿਊਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਸੈੱਲਸ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਵੈਕਿਊਲ, ਵੈਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਲੇਟਰਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਲੈਕਚਰ 2 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੈਕਚਰ 1 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਕਚਰ 2 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।